यौन शोषण मामले में आरोपी डेरा प्रमुख राम रहीम ने पिछले साल ही भारतीय बाजारों पर कब्जा करने की कोशिशें शुरू कर दी थी। इसे बाबा रामदेव की पतंजलि से मुकाबले के रूप में देखा गया, लेकिन राम रहीम रामदेव से मुकाबले की बातों से इनकार करते रहे। एमएसजी ब्रांड के नाम से राम रहीम ने अपने करीब 150 प्रोडक्ट बाजार में उतारे। खुद राम रहीम ही इसके ब्रांड एम्बेसडर रहे। प्रोडक्ट लॉन्च करते हुए डेरा सच्चा सौदा ने दावा किया कि देश भर में उसके 5 करोड़ से ज्यादा भक्त हैं। ऐसे में वो इन 5 करोड़ भक्तों को तो अपना ग्राहक मानकर चल रहा है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली एनसीआर में राम रहीम के भक्तों की संख्या ज्यादा है। शायद इसे ही ध्यान रखते हुए शुरुआत में इन राज्यों के 200 स्टोर्स पर राम रहीम के प्रोडक्ट बेचने की व्यवस्था की गई। डेरा सच्चा सौदा पहले भी इस तरह के प्रोडक्ट बनाता था, लेकिन ये चीजें सिर्फ डेरा सच्चा सौदा के भक्तों के बीच ही बेची जाती रही थी। इसमें जैम, सॉस और घरेलू इस्तेमाल की चीजें शामिल थी, लेकिन नई रेंज में एमएसजी ब्रांड के साथ नूडल्स को भी बाजार में उतारा गया। दिल्ली से आरती पांडे, नवोदय टाइम्स।